नमस्कार साथियों, मैं अंशुल शर्मा एक बार पुनः आपका रॉयल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी जो सामने आ चुकी है, जी हां, वो खुशखबरी है IBPS AFO नोटिफिकेशन 2023-24। IBPS बैंक का नोटिफिकेशन आ चुका है, उसके अंदर आपके AFO की पोस्ट का नोटिफिकेशन आपके सामने है। चूंकि रजिस्ट्रेशन कब करना है, क्या एज रिलैक्सेशन रहेगा, क्या क्या बच्चों के डाउट है, उन सबके बारे में अपन जानकारी देखेंगे। तो सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है अपना रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बच्चों चालू हो चुके हैं, जैसा कि आप डेट देख रहे हैं 1 अगस्त से 21 अगस्त। जी हाँ, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू हो चुके हैं। आज डेट 5 तारीख हो चुकी है और आप 1 तारीख से ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू हो चुके हैं। 21 तारीख तक ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चलेंगे। डेट बढ़ भी सकती है, अगर बढ़ेगी, क्योंकि फॉर्म इस बार थोड़ा जल्दी आए हैं, अगर बढ़ेगी तो नोटिफिकेशन वापस जारी कर दिया जाएगा और मैं आपकी वीडियो बना के आपको वापस एक बार पुनः बता दूंगा। अगर नहीं बढ़ती है तो 21 तारीख तक अपना रजिस्ट्रेशन कर लें ध्यान से। फिर उसके बाद बात करते हैं पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस है, तो पेमेंट भी वही सेम डेट 1 से 21 तारीख पेमेंट रहेगा आपका। और डाउनलोड कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन, आपका एग्जाम जो कि हमेशा रहता है, हमेशा हर बार IBPS का दिसंबर 2023 में ही एग्जाम करवाते हैं IBPS, ठीक है। और उसका ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो प्रीलिमिनरी होगा वो चाहे 30 तारीख को होगा या 31, उन्होंने डेट भी दे दी है दिसंबर के अंदर, बिल्कुल लास्ट वीक 30 तारीख या 31 तारीख को आपका एग्जाम कराया जाएगा। इसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट वो जनवरी 2024 में दे देंगे। और फिर जिसका सिलेक्शन होता है प्री में उसके लिए कॉल लेटर आएगा मेंस के लिए, और मेंस का एग्जामिनेशन वो जनवरी के अंदर ही करा देंगे, ठीक है। उसके बाद बात करें अपन ऑनलाइन मेन, तो ऑनलाइन मेन तारीख की उन्होंने डेट भी दे दी है जनवरी की 28 तारीख। कब तक करा देंगे? 28 तारीख, बिल्कुल लास्ट वीक में, मंथ के लास्ट वीक में एग्जाम करा देंगे वो, ठीक है। और मेंस एग्जामिनेशन का रिजल्ट कब तक दे देंगे? तो फरवरी 2024, बिल्कुल फास्ट, फास्ट एंड फ्यूरियस की तरह जा रहे हैं, फरवरी के अंदर ही ये अपना रिजल्ट दे देंगे। और डाउनलोड कॉल लेटर फॉर इंटरव्यू फरवरी मार्च के, या तो फरवरी लास्ट की बात करें या मार्च स्टार्टिंग की, आपका इंटरव्यू के कॉल आ जाएंगे और इंटरव्यू कंडक्ट होगा तो फरवरी मार्च में, और आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट हो जाएगा अप्रैल 2024 तक। ज्यादा टाइम नहीं बचा है, इसलिए मैं आपसे कह दे रहा हूं कि तैयारी में बिल्कुल पूर्ण रूप से जुट जाइए, ज्यादा समय नहीं है। और हाँ, इतना समय तो है कि आप आराम से इस एग्जाम को निकाल सकते हैं, बस पूरा फोकस रख के पूर्ण रूप से पढ़ाई की है। आगे देख लेते हैं अपन क्या क्या है। AFO और IBPS के कोर्स और टेस्ट सीरीज लेने के लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं रॉयल संस्था के संपर्क सूत्र पर। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहने वाली है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो एज सबसे बड़ा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जिसके अंदर एज 1 अगस्त 2023 को 20 तारीख की होनी चाहिए। 1 अगस्त 2023 को एज कितनी होनी चाहिए? 20 तारीख है मिनिमम आपकी, 20 तारीख को मैक्सिमम 30 ईयर। मैक्सिमम जनरल कैंडिडेट की बात करूं मैं, मिनिमम 20 ईयर सबके लिए है और मैक्सिमम 30 ईयर है जनरल कैंडिडेट के लिए। उसके अलावा रिलैक्सेशन की बात करें तो SC ST के लिए 5 ईयर और OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 ईयर, ठीक है। यहां 33 साल हो जाएगा और ये 35 साल हो जाएगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि अ कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर 2/8/1993, 2 अगस्त 1993 से पहले बॉर्न नहीं होना चाहिए, और ना ही नॉट लेटर देन 1 अगस्त ऑफ 2003, 2003 के बाद उसका बॉन्ड नहीं होना चाहिए। तो 20 एज रिलैक्सेशन की अगर मैं बात करूं, SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल और 20 साल, उसके कौन सी भी कैटेगरी हो 20 साल मिनिमम रहेगा और जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम रहेगा मैक्सिमम रहेगा सॉरी 30 साल। नेक्स्ट है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन AFO के लिए ही बात कर रहे हैं स्पेसिफिक हम, जिसके अंदर आपका कोई भी फोर्थ ईयर डिग्री ग्रेजुएशन, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर हो, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, डेयरी, फिशरीज साइंस, पिसीकल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग कॉपरेशन, कॉपरेशन एंड बैंकिंग, एग्रोफॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, फूड साइंस, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, सेरिकल्चर, फिशरीज इंजीनियरिंग, ऑलमोस्ट सब कहीं ना कहीं अपना एग्रीकल्चर से रिलेटेड डिग्री 4 साल की अगर आप 4 ईयर डिग्री रहेगी अगर आप करते हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो फॉर्म भरने के लिए, ठीक है।
नेक्स्ट है आपके सामने मोस्ट इंपोर्टेंट एप्लीकेशन फीस और इंटीमेशन चार्जेस। क्या इंटीमेशन चार्जेस है ना क्या एप्लीकेशन फीस है? एप्लीकेशन फीस और इंटीमेशन चार्जेस पेबल है फ्रॉम 1 अगस्त 2023। ऑनलाइन पेमेंट, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट है बच्चों यहाँ पे। बोथ डेट इंक्लूसिव शैल बी एज फॉलो, कौन कौन सी, जैसे कि A175 तो रहेगा जीएसटी इंक्लूडिंग फॉर SC ST और PWBD कैंडिडेट्स के लिए, और 850 रहेगा आपका जितने भी अदर कैंडिडेट हैं उनके लिए। 175 किसके लिए? SC ST और जितने भी अदर कैंडिडेट हैं उनके लिए कितना रहेगा? 850। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। क्या पैटर्न रहेगा एग्जाम का? सिर्फ AFO की स्पेसिफिक हम बात कर रहे हैं। इसके अंदर 50 क्वेश्चन आपके इंग्लिश, 50 रीजनिंग और 50 क्वांटम एप्टीट्यूड, टोटल 150 क्वेश्चन आने वाले हैं 150, और मैक्सिमम मार्क्स हैं 125, 25 इंग्लिश, 25 रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हिंदी, हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा, इंग्लिश तो इंग्लिश में आएगी, बाकी हिंदी और इंग्लिश में रहेंगे आपके रीजनिंग और क्वांटम एप्टीट्यूड। मिनट्स आप दे रखे हैं 40-40 मिनट का, तीनों का पैटर्न रहेगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है एग्जाम में ये रहती है कि आपको ओवरऑल कट ऑफ तो क्लियर करनी ही करनी है, ओवरऑल कट ऑफ तो क्लियर करनी है, उसके साथ साथ हर एक सब्जेक्ट की इंडिविजुअल कट ऑफ भी क्लियर करनी है। यहाँ इंडिविजुअल कट ऑफ भी क्लियर करनी है। इंडिविजुअल कट ऑफ हो गई क्लियर, ओवरऑल नहीं हुई तो भी नहीं होगा, ओवरऑल क्लियर होगी लेकिन इंडिविजुअल सब्जेक्ट की कट ऑफ क्लियर नहीं हुई तो भी सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए आपको हर एक सब्जेक्ट पे कमांड अच्छी रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो आपके मेन एग्जामिनेशन की बात करें, वहां प्रोफेशनल नॉलेज जो भी आपकी, जैसे एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर बेसिकली एग्जाम आएगा आपका, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 60, मैक्सिमम मार्क्स भी 60 रहेंगे और मीडियम बोथ रहने वाला है, इंग्लिश और हिंदी बोथ मीडियम है, और ड्यूरेशन रहेगा एग्जाम का आपका 45 मिनट्स। क्या रहेगा? 45 मिनट्स। ये डिपेंड करता है, मान लीजिए जैसे कि कैंडिडेट ज्यादा रहे कहीं ना कहीं तो कट ऑफ कम रहती है, नंबर ऑफ फॉर्म, अगर कैंडिडेट वगैरह कम रहे तो कट ऑफ ज्यादा भी रह सकती है, ठीक है। वो पेपर के ऊपर भी डिपेंड करेगा, टफ लेवल है या इजी लेवल है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपकी वैकेंसी की, नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर फॉर द ईयर नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, जो कि सबसे बड़ा खिलाड़ी बैंक ऑफ बड़ौदा, यहां इसने नॉट रिक्वायरमेंट डाल दिया है, NR डाल दिया है, नॉट रिक्वायरमेंट डाला है, इसका मतलब कहीं ना कहीं अभी इन्होंने बोला है कि नॉट रिक्वायर, लेकिन आगे क्या पता रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो ये वैकेंसी बढ़ भी सकती है, पूरी श्योरिटी के साथ नहीं कह रहा मैं 110% के साथ, लेकिन वैकेंसी बढ़ भी सकती है क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है, ठीक है। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि वैकेंसी घटी भी है, ठीक है, लेकिन यहां वैकेंसी बढ़ने के चांसेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा 0, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया सॉरी 0, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने भी नॉट रिक्वायर, कैनरा बैंक नॉट रिक्वायर, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने आपको एक बार फिर बचा लिया, ये बैंक लगातार आपको बचाती आ रही, 400 वैकेंसी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 400 वैकेंसी दी है आपके सामने, और इंडियन बैंक नॉट रिक्वायर, और इंडियन ओवरसीज बैंक 0, पंजाब एंड सिंध बैंक 0, PNB जो बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB CBI, ये कहीं ना कहीं बड़े खिलाड़ी होते हैं, PNB ने भी आपको कहीं ना कहीं राहत की सांस दी है, 100 वैकेंसी दे दी है। ओवरऑल अगर वैकेंसी की बात की जाए तो कितनी है, 500 में। एक बार वापस कहता हूं कि जिन्होंने NR दिया है क्या पता वो वैकेंसी अपने ऐड भी करवा सकते हैं, तो वैकेंसी बढ़ भी सकती है लेकिन 110% श्योरिटी इसकी नहीं है, ठीक है। ये आपके सामने वैकेंसी का परफॉर्मा था। क्या क्या नेसेसरी डॉक्यूमेंट है ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन के, अगर आप प्री क्लियर क्वालिफाई हो जाते हैं तो ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन के क्या क्या डॉक्यूमेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहने वाली है क्योंकि कई बार बच्चे इस चीज में बहुत गड़बड़ करते हैं। देखिए क्या है कि आपका वैलिड कॉल लेटर होना चाहिए रेस्पेक्टिव डेट का, सेशन ऑफ एग्जामिनेशन, और दोज कैंडिडेट हु आर कॉल्ड फॉर मेन एग्जामिनेशन विल ऑल्सो रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द ऑथेंटिकेटेड स्टैम्प्ड कॉल और लेटर फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। जो आपका एग्जामिनेशन का कॉल लेटर आया है वो आपके पास होना चाहिए, स्टाम्प कॉपी ऑफ ID प्रूफ। नेक्स्ट है आपका फोटो आइडेंटिटी प्रूफ इन ओरिजिनल बियरिंग द सेम नेम इट अपियर ऑन द कॉल लेटर, जो कॉल लेटर के ऊपर जो फोटो है नेम है वो ही होना चाहिए। उसके अलावा कैंडिडेट की रिपोर्टिंग लेट आफ्टर द रिपोर्टिंग टाइम स्पेसिफाइड ऑन द कॉल लेटर फॉर द एग्जामिनेशन विल नॉट परमिटेड टू टेक द एग्जामिनेशन, अगर आप लेट हो जाते हो तो एग्जामिनेशन के लिए परमिट नहीं होंगे, इसलिए विशेष ध्यान देना है, एग्जाम पे बिल्कुल टाइम पे ही पहुंचना है, कॉल लेटर का ध्यान रखना है,
कॉल लेटर के अंदर जो आपके फोटो और नाम वगैरह है वो भी परफेक्ट सेम होने चाहिए, अलग अलग नहीं होने चाहिए। अब है अपन बात कर लेते हैं सबसे आखिरी बार डाउट ऑफ स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट के डाउट है लगातार वो कमेंट करके पूछे जा रहे हैं कि क्या कैन आई अप्लाई द टेस्ट आई विल बी 20 इयर्स दिस सितंबर, अगर मैं इस सितंबर को 20 साल का हो जाऊंगा ताकि मैं फॉर्म भर सकता हूं। बिल्कुल नहीं भर सकते आप, वहां क्लियरली दे रखा है 1 अगस्त के बाद आप बॉन्ड, 1 अगस्त के बाद आपकी, 1 अगस्त से पहले ही पहले आप 20 साल के होने चाहिए। अगर बाद में हो रहे हैं तो आप बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है। आंसर देख लीजिए इसका, कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2/8/1993 के 2 अगस्त 1993 से पहले बॉन्ड नहीं होना चाहिए, नॉट लेटर देन 1 अगस्त 2003 के 1 अगस्त 2003 के बाद बॉन्ड नहीं होना चाहिए और 2 अगस्त 1993 से पहले बॉन्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि मिनिमम क्राइटेरिया आपका 20 साल है और मैक्सिमम जनरल के लिए 30 साल, SC/ST के लिए 35 और OBC के लिए नॉन क्रीमी के लिए 33। ठीक है, मीडियम ऑफ पेपर, तो मीडियम ऑफ पेपर आपका दोनों रहने वाला है, हिंदी मीडियम भी रहेगा इंग्लिश मीडियम भी रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिन बच्चों को इंग्लिश हिंदी वाले बच्चों को तकलीफ आती है प्रॉब्लम आती है तो यह मीडियम दोनों रहेगा, लेकिन मैं विशेष तौर पर हिंदी वाले बच्चों से भी कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं आपको इंग्लिश मजबूत तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इंग्लिश में हिंदी मीडियम वाले बच्चों को क्वालिफाई करने में काफी समस्या आती है, क्वांटम रीजनिंग वगैरह सब कुछ क्वालिफाई कर लेते हैं लेकिन इंग्लिश फिर भी क्वालिफाई नहीं हो पाती, ओवरऑल कट ऑफ भी बहुत ज्यादा आ जाती है लेकिन इंग्लिश क्वालिफाई नहीं हो पाती, जो कि 5 नंबर कट ऑफ, 4 नंबर कट ऑफ, 6 नंबर कट ऑफ, यही क्लियर नहीं हो पाती। तो इंग्लिश पे विशेष रूप से ध्यान रखें और आपको इस वैकेंसी आने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं और जोरदार तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए और नौकरी लगाइए, क्योंकि इसका पे स्केल काफी अच्छा है, 45 से 50 हजार रुपए स्टार्टिंग के 1 मंथ की सैलरी रहती है और आगे जाके इंक्रीज होती रहती है, तो सैलरी काफी अच्छी है। तो आप सबको ऑल द बेस्ट।